गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। हम अभी दोस्तों झारखंड में ही हैं। हम जो है अभी मामी का जो है घर जा रहे हैं, और मेरा एक भाई है, मामी भी जा रही है साथ में। जो है पहुंच के मिलते हैं, और टाइम अधिक हो चुका है, वही 12 बज गया है। और मामी तो बोली थी कि 11:30 बजे निकलेंगे, अभी जो है तैयार होने में बहुत लेट लगा दिया है, और भाई भी तैयार हो गया है। गाइस हम लोग जो है निकल चुके हैं, और ये दोनों भाई यहाँ पे रुकेगा, घर में रुकेगा ना आज तुम लोग। हाँ। तुम लोग घुरा था ना बिनवासनी, और आज जो है बड़का भाई को ले जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं, मामी जा रही साथ में। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं, भाई भी इधर बैठा हुआ है, और कितना टाइम लगेगा जाने में? 4 बजे आ चुके हैं दुकान, जो कि भगनी के जो है रसमलाई दे रहे हैं, जो है इंतजार करती होगी, क्योंकि हम लोग 11:30 बजे पहुंचने वाले थे, लेके हम लोग यहाँ से निकलते हैं आगे। गाइस आप लोग देख पा रहे हैं बिनवासरी पहाड़ का जो है ये बुद्ध का जो है प्रतिमा वहाँ पे है, आप लोग देख पा रहे हैं। हम लोग यहीं पर आए थे घूमने के लिए। हम लोग जो है निकल रहे हैं नानी घर इस्माइल के साथ। मेरा बहुत अच्छा, एक गाना सुनाएगी? बोलो, अच्छा एक बार बोल दो, बोलो लिपस्टिक लगा देंगे, बोलो बोलो। बहुत अच्छा। यहाँ जो है कुछ बच्चे थे, और कुछ खेला जो है खेल रहे थे यहाँ पे, बनाए हुए थे। ये जो है घर पड़ा, भाई भी आया है, मामी जो है पैदल आ रही थी, भाई उधर बैठा है। छोटे मामा जो है हम लोग को बाइक से पहुँचा दिए थे, और ये घर पड़ता है छोटे मामा का, बड़े मामा गए हैं उधर। फाइनली जो है हम नानी घर के बगल में जो है सीता पहाड़ पड़ता है, और ये बहुत ही मशहूर मंदिर है। और हम जो है और मेरा भाई जो है जा रहे हैं दोनों ड्राइव, मेरा भाई जो है ड्राइव कर रहा है, अब यहाँ से कर रहे हैं आप लोग। आज जो है हम लोग जो है जा रहे हैं सीता पहाड़, जो कि बहुत ही नामी मंदिर है। हमारे जो है छोटे भाई जी जो है ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग जो है जा रहे हैं। न्यू रोड बन रहा है, रोड खराब है, और यहाँ रेल लाइन है, यहाँ पे रेल लाइन पड़ता है। जो है सीता पहाड़ में जो है एंट्री कर चुके हैं, और कुछ मजदूर भाई सब हैं जो कि काम करके जो अपना घर जा रहे हैं, और शाम का टाइम है, और हम लोग जो है पहाड़ में एंट्री कर रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई में है मंदिर, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए, और जो है हम लोग जो है पहुंच चुके हैं अपना जो है ड्रीम जो था सीता पहाड़ मंदिर में, और बहुत ही काफ़ी सुंदर मंदिर है, और यहाँ पे जो है बहुत ही ऊंचाई में मंदिर है। हम लोग फाइनली जो है पहुँच चुके हैं, और आप लोग को जो है बैक कैमरा से हम लोग जो है हर जगह का जो है नज़ारा यहाँ से आप लोग को दिखाएंगे। ऐसा ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, और भाई जो है पीछे है, भाई साहब जो है पीछे बना रहे, बैठा हुआ था पीछे, भाई जी बैठा रहा था, और हम जो है बाइक ड्राइव कर रहे थे, और आप लोग को बैक कैमरा से आप लोग को दिखा रहे इस मंदिर का रूबरू। तो भैया मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। गाइस आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो है राम सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, और आप लोग भी आइए कभी इस मंदिर का दर्शन करने के लिए। इस मंदिर का नाम जो है सीता पहाड़ मंदिर है, और आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे जो है बजरंग बली का मंदिर, बहुत अच्छा है, आप लोग इधर देख पा रहे हैं, आइए। और यहाँ पे जो है बजरंग बली का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और ये बहुत ही ऊंचाई में है। और आप लोग को ये बता दें, जो बहुत ही ऊंचाई में ये मंदिर है, आप लोग देख पा रहे हैं, और आप लोग भी कभी आइए और
जरूर आइएगा झारखंड। तो हम लोग जो है यहाँ आए और कुछ भक्तजन थे, वो लोग जो बताएं कि यहाँ पे जो है इस मंदिर पे जो है सीता पहाड़ मंदिर पे जो है यहाँ पे जो है सीता माता जो आए थे और यहाँ ठहरे हुए थे। और इस जगह को आप लोग देख पा रहे बहुत ही ऊंचाई में है और ये जो है आप लोग बहुत ही गहराई में है देख पा रहे हैं। और ये यहाँ पे जो है एक बहुत ही रावण जी का प्रतिमा है जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रतिमा है। आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार जो है रावण जी का जो है प्रतिमा यहाँ पे है। और यहाँ आप लोग भी आइए और इस मंदिर का जो है दर्शन कीजिए और बहुत ही आप लोग को जो है आनंद आएगा। और हमारे भाई जी में हमारे साथ हैं, हम लोग जो है अब जो है निकलेंगे यहाँ से। गाइस अब हम लोग जो है चलेंगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और हम लोग जो है पूरा जो है मंदिर का जो है दर्शन कर लिए हैं। और आप लोग को एक बात बता दें जो कि हम लोग पिछले वाला वीडियो में एक गुफा था जो कि विनयवासिनी मंदिर में जो है वहाँ पे एक गुफा है और यहाँ पे भी एक गुफा है जो कि गुफा किधर है जी? हाँ गुफा जो है ये जो है ब्रिज आप लोग देख पा रहे हैं इस ब्रिज का जो पीछे है। और इस गुफा और जो है विनयवासिनी का मंदिर का उस गुफा का दोनों का जो है एक दूसरे से जो है कनेक्शन है अंदर ही अंदर, जो कि अभी जो है इसको पत्थर से जो है ढक दिया गया है। और बहुत ही ये प्रचलित मंदिर है और आप लोग भी कभी आइए इस मंदिर का जो है दर्शन करने के लिए। और यहाँ का जो है मंदिर बहुत ही पवित्र माना जाता है और आप लोग भी कभी आइए मंदिर और यहाँ का दर्शन कीजिएगा। हम लोग जो है यहाँ से निकलेंगे दोस्तों और घर पहुँच के जो है हम लोग मिलते हैं आप लोग से। धन्यवाद। तो फाइनली हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। आप लोग देख दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही गहराई है और हम लोग जो है बहुत ही ऊंचाई में जो है बाइक को जो है चढ़ाए हुए हैं और बिना जो है इंजन को स्टार्ट किए हुए बिना जो है जा रहे हैं बाइक। खतरनाक रास्ता कहा जा। हेलो गाइस, ये मामा जी का जो है ये भी घर है और वो भी था। और ये बगल में जो है मंदिर है देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। और बगल में जब फोर लाइन अभी बन ही रहा है और बहुत फ्रंट से ले रहे हैं और वहाँ जो नानी मामी सब खड़ी है देख पा रहे हैं। ये बजरंग बली का मंदिर है और मंदिर का जो है पीछे जो है मामा का भी घर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। मामा जी के जो है घर के पीछे तरफ आए हैं बगान में और काफ़ी जो है मैंगो यहाँ पे फरा हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही मैंगो फरा हुआ है, आप लोग देख चुके हैं बगीचा का निरीक्षण करते हुए। और मामा जी वहाँ खड़े हैं और काफ़ी सुंदर, मामा जी बहुत मेहनत करते हैं इस बगीचा में, काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ मैंगो। हेलो गाइस, फिलहाल जो है हम लोग जो है मामा का घर से जो है चल दिए हैं। मामा जी अब आएंगे और अब जो हम लोग जा रहे हैं घर, काफ़ी अधिक रात हो चुका है और यहाँ भी है और ये मंदिर है। हम लोग दोस्तों चल रहे हैं घर और आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं फिर मामा जी से। मामा जी चलते हैं अब, ठीक है? बाय बाय। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।